खबर सिंगरौली से है। विधायक के बिगड़ेल पुत्र ने गोली मारकर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने विधायक पुत्र पर जान से मारने की कोशिश सहित एस्ट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी मौके से फरार है। सिंगरौली जिले के भाजपा विधायक राम ललू वैश्य के पुत्र विवेकानंद वैश्य की दबंगई का मामला सामने आया है। यहां मामूली से रास्ते के विवाद को लेकर विधायक पुत्र ने मोरवा निवासी सूर्य प्रकाश खैरवार को गोली मार दी। गोली सूर्य प्रकाश के हाथ में लगी, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित का कहना है कि वह खुद ही समझ नहीं पा रहा है कि आखिर विधायक के बेटे ने उसे एक गोली क्यों मारी। क्या हुआ? उन लोग का हम बीच बचाव में गए, तब तक वो फायर कर दिया, लगा मेरे हाथ में। विवेक विधायक का लड़का विवेक, पूछे थे फायर किया, भागने लगा, हमको पता नहीं चला जब फायर हुआ। अच्छा, कहाँ पर गोली? हाथ में लगा था, अचानक चला है, वही जाने के आपका नाम क्या? कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। क्या मामला सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं इस पूरे मामले की शिकायत के बाद मोरवा थाना पुलिस ने आरोपी विवेकानंद वैश्य पर जान से मारने की कोशिश और एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। एक खैरवार और कुछ पंका और साथ में कुछ और लोग थे, रास्ते को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। पुलिस की जानकारी में जो आया है, तो फरियादी एक आया था कल शाम को 7 बजे के आसपास थाने पर, जिसका नाम सूर्य प्रकाश खैरवार था, 34 वर्ष की उम्र वाला था। इसकी पंजर बस्ती का ही रहने वाला है। इसने एक लिखित आरोप पत्र दिया कि मुझे इस तरह से विवाद की जानकारी लगी थी। विवाद के दौरान मैं जब वहां पहुंचा, जैसे उतरा और वो समझाने लगा लोगों को, तो एक गोली की आवाज आई और मेरे हाथ में लगी। मैंने देखा विवेक है और गोली उसने चलाई है और गाड़ी से जा रहा है। इस बात पर से उसने एक लिखित आरोप पत्र दिया। पुलिस ने तत्काल 307 का प्रकरण विवेक के खिलाफ दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस को प्राथमिक जांच में अभी तक जो तथ्य आए थे उसमें यही पता चला है कि पंजर बस्ती में कुछ रास्ता सकरा, उसके लिए कुछ विवाद था। पुलिस अभी मौके पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और साथ में विवेचना की तथ्य भी जारी है। और अभी जो घायल था उसकी हालत भी ठीक है, उसके कुछ अपराध हैं आरोपी के और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। हाँ, इसमें जानकारी लग गई है पुलिस को कि जो पीड़ित है वो ST समुदाय का है, उसमें ST की धारा बढ़ाई गई है, इसमें कार्रवाई वैधानिक रूप से की जा रही है। विधायक पुत्र की दबंगई का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी आरोपी पर कई गंभीर अपराधों के मामले मोरवा थाने में दर्ज है, लेकिन विधायक पुत्र होने के चलते कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले पर पुलिस क्या विधायक पुत्र को गिरफ्तार करेगी या भी ऐसे ही अपराधों को बढ़ावा देने की नीयत से छूट देती रहेगी। सिंगरौली से बिपिन सिंह चंदेल की रिपोर्ट।